गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम रितु अरोरा, आई एम योर सोशल साइंस टीचर. टुडे वी कंटिन्यू आवर चैप्टर 11 पार्ट 2 एक्सरसाइजेस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज वन वर्ड. फर्स्ट वन वर्ड इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. सेकेंड क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? एज वी नो, हमको सबको पता है विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? इंडिया. थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी हमको पता है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. तो हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स? 6. आंसर इज 6. फोर्थ नंबर इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई एक्ट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीई? आर फॉर राइट, टी फॉर टू, ई फॉर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन. फिफ्थ नंबर इज व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950, जो हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. व्हेन डिड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? 26 जनवरी 1950. क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम देम. फर्स्ट वन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ गवर्नमेंट गवर्न्स अ कंट्री. वो क्या होता है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कंट्री को गवर्न करती है? वो सेट ऑफ रूल्स उनको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन फॉर्म में होता है. सेकेंड इज आर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन, मैंने आपको बताया भी हमारे इफेक्ट में वो 26 जनवरी 1950 को आया जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. बट ये अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवम्बर को 1949 को. थर्ड नंबर इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, जो आरटीई एक्ट है जिसमें 14 एज तक बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, ये इफेक्ट में फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 2010 में. Fourth one is when the fundamental rights are taken away, people can go to the आंसर इज कोर्ट. जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेने की, छीनने की, हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो पीपल कैन गो टू द कोर्ट, वो कोर्ट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं. फिफ्थ नंबर इज सम गाइडलाइंस लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, जो कुछ गाइडलाइंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है जिनके न पूरा होने के लिए लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द फॉलोइंग. फर्स्ट नंबर इज 6 फंडामेंटल राइट्स आर, आंसर इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and education rights, and right to constitutional remedies. These are our 6 fundamental rights. Now question number 9 is complete the following sentences hai, unko complete karna hai. फर्स्ट सेंटेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी हमने क्वेश्चन रीड किया था ऊपर, उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को. बट आंसर इज इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950. दोनों डेट आ गई, अडॉप्ट कब किया था और इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 इज द आंसर. सेकेंड इज सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ, किसी भी तरीके, डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव नहीं किया जा सकता रिलीजन के हिसाब से, रेस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेटेड भेदभाव नहीं किया जा सकता. थर्ड वन इज चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी मेड टू डू, उनसे क्या नहीं करवाया जा सकता? वर्क इन फैक्ट्रीज, वर्क फैक्ट्रीज में वर्क नहीं करवाया जा सकता, माइंस में और हाउसेस में कोई भी डोमेस्टिक लेबर उनसे नहीं कराया जा सकता. फोर्थ वन इज वी मस्ट ट्रीट ऑल सिटीजन एज इक्वल एंड
हमें हमारे सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं उनको हमेशा इक्वल ट्रीट करना चाहिए, और हमेशा किसको फॉलो करना चाहिए, नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। नॉन वायलेंस मीन अहिंसा, जो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे ना, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना चाहिए। फिफ्थ नंबर इज सिटीजन कैन नॉट गो टू अ कोर्ट। मैंने आपको बताया था अगर कोई हमारे राइट्स लेता है, छीनने की कोशिश करता है, अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, सो वी कैन गो टू द कोर्ट। बट हम कोर्ट में कब नहीं जा सकते, इफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। Question number 10 is answer the following questions. First one is what is a constitution? Constitution क्या है? हमें सबको पता है संविधान क्या है? संविधान एक set of rules है जिसके according, मैं आपको explain कर रही हूँ, जिसके according क्या करती है? Government अपनी country को run करती है। Constitution is a set of rules according to which a government governs or runs a country. Government country को govern करती है या run करती है। Second number is what do you mean by right to constitutional remedies? Right to constitutional remedies means the right which gives us the power to seek justice in a court of law if our fundamental rights are taken away. मैं explain कर देती हूँ। वो कह रहे हैं right to constitutional remedy, जो हमारा right है उसका क्या मतलब होता है। जो right to constitutional remedy का मतलब होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मीन्स ये एक ऐसा राइट है विच गिव्स अस द पावर, जो हमें एक पावर देता है टू सीक जस्टिस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर हमारे अधिकारों को, फंडामेंटल्स जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को कोई लेने की कोशिश करता है तो हम न्याय के लिए, जस्टिस के लिए कोर्ट में न्याय के लिए जा सकते हैं। ये किस में लिखा है? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है, जो एक राइट है। थर्ड वन इज स्टेट टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे हम सबके राइट्स होते हैं वैसे कुछ ड्यूटीज भी होती है, कोई भी आप ड्यूटीज टू लिख सकते हैं। द टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया आर, फर्स्ट वन इज वी मस्ट रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें हमारे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड वन इज वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट। हमें हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको प्रिजर्व मतलब सुरक्षित और प्रोटेक्ट, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। फोर्थ वन इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसी भी स्टेट पॉलिसी की, वो किसको सिग्निफाई करती हैं, उसका क्या मतलब होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज, देखो अब वो बता रहे हैं भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की उसका मतलब क्या होता है। दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। मतलब गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनको ट्राई करना चाहिए इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए। वाइल जब मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज, जब लॉज और पॉलिसीज, रूल्स, नियम्स या कोई भी पॉलिसीज बनती हैं, एंड पुटिंग अ लॉ इन टू प्रैक्टिस, जब कोई भी कानून प्रैक्टिस में लाया जाता है, कोई भी पॉलिसीज बनती हैं, तो गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू फॉलो दीज गाइडलाइंस। तो गवर्नमेंट को इन गाइडलाइंस को, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी की, उनको फॉलो करना चाहिए। हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 11 part 2.